हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये क्लास 12 का चैप्टर 5 का टॉपिक है। जो कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसमें हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसमें बच्चों हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसके अलावा जितने भी हैं बाकी सारे ऑटोसोमल रेसेसिव है। इसके बच्चों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ये डिटरमाइंड होते हैं बाय ऑल्टरेशन या म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, मतलब किसी एक सिंगल जीन में कोई भी ऑल्टरेशन हो या म्यूटेशन हो उसकी वजह से होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। इसका मतलब है कि अगर किसी फैमिली में ये रन करता है तो आप पेडिग्री वाला चार्ट बना के आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कि इसका इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या चल रहा है। अब बच्चों ट्रेट क्या होता है? ए ट्रेट रेफर्स टू एनी जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी भी इंसान में जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है तो उसको आप ट्रेट बोलेंगे। अब बच्चों इन एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है। हेमा की सिस्टर फैनी सिक थी। फैनी का मूड एलिवेट करने के लिए सब दोस्त थाली में ढेर सारा कलर लेकर गए। यहाँ पे बच्चों हेमा से आपको हीमोफीलिया की याद आएगी, सिस्टर से आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस की याद आएगी, सिक से आपको सिकल सेल एनीमिया की याद आएगी, फैनी से बच्चों फिनाइल कीटोनूरिया की याद आएगी, मूड से बच्चों मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, आप एम और डी ले लीजिए तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी याद आएगा, एलिवेट आपको याद कराएगा कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, थाली से बच्चों आपको थैलेसीमिया याद आएगा, कलर से आपको कलर ब्लाइंडनेस याद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।